इनकी भाषा है जो, वो भाषा समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की है, समाज को तोड़ने की है। मामन साहब क्योंकि दोषी हैं, जेल के अंदर से आए हैं, और मामन साहब उस बात को भूल जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी होता है उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करती है, और इस प्रकार के जो बयान देने वो मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में एक सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। जो वहाँ का नू का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम का जो दोषी है, जो उसका प्लानर है, वो मामन खान है, और ऐसे व्यक्ति को कानून की दृष्टि से उसको कोई बख्शने का ना वो बख्शा जाएगा ना उसको बख्शने का सवाल है। सोच समझ करके बयान देना चाहिए। लिस्टें तो किस किस की बनी हुई है, किसकी नहीं बनी हुई, इसकी चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता करिए, अपने आप को बचाव कीजिए जो कानून के आप जाल में फंसे हुए हैं। देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि उसकी सोच है, क्योंकि वो इसी संस्कार के अंदर पला है, इसी संस्कार के अंदर बड़ा हुआ है, परंतु अपने बयानों को वो ठीक करे, मैं उसको सलाह देता हूँ। देखिए, आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।